यहाँ पर आप पेपर रोल देख रहे हैं और इस पेपर रोल से हम आज पेपर ट्यूब किस तरह से बनती है वो प्रोसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले ये पेपर रोल जो देख रहे हो आप, ये कच्चा मटेरियल आता है और इसको सबसे पहले स्लिट किया जाता है, स्लिटिंग की जाती है। स्लिटिंग का मतलब यह है इस रोल को जो थिकनेस आप देख रहे हो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है एक तरह से। ये स्लिटिंग की मशीन है जिस पे आपका जो रोल है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर दिया जाता है। बेसिकली उसकी जो थिकनेस होती है उसके अलोंग कट किया जाता है, उसकी जो रोल की डायमीटर है वो सेम रहती है। यहाँ पे आप ये स्लिटिंग रोल्स देख रहे हैं और इन रोल्स की फीडिंग की जाती है, मतलब इसके रोल का जो फिल्म है ना, या फिर सरफेस है, उसको आगे की तरफ फीड किया जाता है पेपर रोल को। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे रोल्स लगे हुए हैं, इन सब की एक साथ फीडिंग की जाती है और इनकी सबकी एक साथ फीडिंग से ही आपका जो पेपर ट्यूब है वो जनरेट होता है। ये बेसिकली रोटेट हो रहे हैं सारे और रोटेट होने की वजह से बहुत स्लो स्पीड पे आप देखकर, ये सभी एक ही शाफ्ट माउंटेड हैं और सब रोटेट हो रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ये इस तरह से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब आप देखोगे हर रोल की अलग अलग तरह से फीडिंग हो रही है। कुछ रोल को ऊपर से फीड किया जा रहा है, कुछ को नीचे से ऊपर की तरफ लाया जा रहा है। ये आप देखेंगे यहाँ पे कुछ रोल नीचे से ऊपर की तरफ फीडिंग हो रही है, कुछ रोल ऊपर की ऊपर ही फीडिंग की जा रही है। ये देख सकते हैं ये इस तरह से जा रहे हैं और आगे चल के जो स्ट्रिप है सारे रोल का जो पेपर है वो मिल जाएगा। ये देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे पुलिस वगैरह लगी हुई हैं जिससे ये आगे की तरफ मूव हो रहा है। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे रोल का जो स्ट्रिप है या पेपर है वो आ गया और यहाँ पर इस पेपर में, ये आप पेपर देख रहे हैं बहुत सारे पेपर का रोल है, रोल्स का पेपर है और यहाँ पर आप देखेंगे ये गम डाला जा रहा है इसमें। बेसिकली आप जो ट्यूब बनाते हैं ट्यूब में इसमें क्या होता है, इन सबको जोड़ दिया जाता है। अभी आप आगे देखेंगे किस तरह से जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे गम डाला जा रहा है और गम बेसिकली यूज़ होता है जोड़ने के लिए। तो ऊपर से गम को फीड किया जा रहा है, आप देख सकते हैं ये आगे। फीड होने के बाद ये सब पेपर जो स्ट्रिप है वो आगे की तरफ जा रहा है और यहाँ पर भी मैकेनिज्म लगा होता है, उसकी मैं अभी बात करूँगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक शाफ्ट है जो कि रोटेट हो रही है, उस शाफ्ट के ऊपर इन सबको रैप किया जा रहा है ना, लपेटा जा रहा है। और ये जो दो रोलर लगे हुए हैं आप देख सकते हो रोलर, जिसमें आपका क्रॉस बेल्ट टाइप का सिस्टम लगा हुआ है। ये बेसिकली क्रॉस बेल्ट क्या हो रहा है, जो आपका पेपर शाफ्ट के ऊपर रोल हो रहा है उसको बेसिकली प्रेस किया जा रहा है ना। प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो सब चिपक जाएगा और एक ट्यूब्स की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये दो रोल्स लगे हुए हैं, ये रबर का जो आपका बेल्ट है उसमें, ये बेसिकली उसको कलर देने के लिए, जो आपका ट्यूब है ट्यूब को कलर देने के लिए। यहाँ से दूसरा आप जो पेपर दे रहे हैं कलर्ड पेपर यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, ये गम है अडेसिव बोल सकते हैं, ये दूसरा है। तो इससे आपका क्या होगा, डिफरेंट कलर्स उस पर दिए जा सकेंगे। ये दूसरा रोल है, और ये बेसिकली आगे कैसे बढ़ रहा है, आगे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये सब उस पर रेप हो रहा है, इससे रैपिंग हो रही है किसके ऊपर, जो शाफ्ट है उसके ऊपर रैपिंग हो रही है। और उधर से भी आप देखेंगे तो ये जो आपका पेपर वो आगे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो शाफ्ट कंटिन्यू से रोटेट हो रही है, वो शाफ्ट क्या कर रही है, उसको पुल कर रही है, खींच रही है। ये नीचे मैंने मैकेनिज्म दिखाया है कि किस तरह से आपका पूरा शाफ्ट रोटेट हो रहा है। नीचे आप देखोगे एक मोटर लगी हुई है, इसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था, नीचे मोटर है, मोटर के बाद जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है गियर बॉक्स में पावर ट्रांसमिट हो रहा है और गियर बॉक्स के साथ आप देखोगे वर्टिकल शाफ्ट लगी हुई है। इस वर्टिकल शाफ्ट से जो आप पावर ट्रांसमिट कर रहे हो उससे आपके जो ऊपर, अभी देखेंगे आपको ये गियर बॉक्स आपको दिख गया दोबारा से, इसको लेने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी तो मैंने इसलिए थोड़ा दिखाया इसको।
गियरबॉक्स की जो ऊपर शाफ्ट है, वर्टिकल शाफ्ट है, उससे आपके जो ऊपर रोलर हैं वो कनेक्टेड हैं। ये जो रोलर रोटेट हो रहे हैं, ये बेसिकली उससे नीचे की शाफ्ट है गियरबॉक्स की, उससे कनेक्टेड है और उससे ये रोटेट हो रहे हैं। और ये बीच में शाफ्ट है, ये भी रोटेट हो रही है बहुत स्लो स्पीड से, इसके लिए अलग मोटर्स लगी हुई है। देख सकते हैं आप किस तरह से रैपिंग हो रही है, वो प्रोसेस आप देख सकते हैं। पहले पेपर का रैपिंग हुआ, उसके बाद ये कलर्ड जो पेपर है उसकी रैपिंग की जा रही है। और ये कटिंग लास्ट में, इसमें कटिंग परफॉर्म होती है। देखो कटिंग की भी थोड़ी मज़ेदार मैकेनिज्म, आप देखोगे ये जैसे ही पेपर है ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर लिमिट स्विच लगा हुआ है, तो लिमिट स्विच लगा हुआ तो ये इधर जो कटर है वो एक्टिव हो जाएगा और कट करेगा। आप देख सकते हैं इसको, ये आया और ये यहाँ पर लिमिट स्विच एक्टिवेट हुआ। लिमिट स्विच का मतलब वो सर्किट कंप्लीट हो जाती है तो रोटेट होने लग जाता है। ये देख सकते हैं जैसे ही टकराएगा ये, तो उसको किसी भी लेंथ में आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे मैं और बहुत सारे वीडियोस इस तरह के बना सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।